वेलकम टू आर चैनल फिजियोस्टा आज हम लेयर्स ऑफ सेरिब्रल कॉटेक्स की बात करेंगे सेरिब्रल कॉटेक्स के बारे में हमें ये पता है जो आउटर लेयर है वो ग्रे मैटर की है और इनर व्हाइटर मैटर को सराउंड करती है और ये बनते हैं डिफरेंट नर्व सेल्स उसके प्रोसेसिस और न्यूरोलजिया से एकनोमो के अकॉर्डिंग सेरिब्रल सेरिब्रलकॉटेक्स सिक्स लेयर से बना हुआ है नंबर वन आउटरमोस्ट लेयर है मोलेक्युलर लेयर इस लेयर में स्मॉल फ्यूजिफॉर्म सेल्स होते हैं जिसका नंबर बहुत कम होते हैं इस लेयर में डीप में डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं सेल्स के नंबर टू एक्सटर्नल ग्रान्युलर लेयर ये लेयर बनी होती है स्मॉल क्लोजली पैक्ड सेल्स से जो कि राउंड पॉलीगोनल और ट्राइंगुलर शेप में होते हैं इन सेल के डेंड्राइड्स पास हो जाते हैं मोलिकुलर लेयर में और जो एक्सॉन्स होते हैं वो डीपर लेयर्स में कुछ एक्सॉन्स एंटर करते हैं हेमिसफेयर के व्हाइट सब्सटेंस में नंबर थ्री आउटर पिरामिडल लेयर ये लेयर पिरामिडल सेल्स से बनती है जिसके दो साइज है आउटर पोर्शन में मीडियम साइज पिरामिडल सेल्स होते हैं और डीपर पोर्शन में लार्जर पिरामिडल सेल्स हैं नंबर फोर इंटरनल ग्रान्युलर लेयर एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर की तरह इस लेयर में भी क्लोजली पैक्ड स्मॉलर सेल्स है जो कि स्टेलेट टाइप के हैं लेकिन इस लेयर में नर्व फाइबर्स ज्यादा है एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर से इस लेयर में बहुत सारे हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं जो कि वाइड स्ट्रिप जैसे दिखते हैं जिसको आउटर स्ट्रिप कहते हैं नंबर फाइव गैनलियोनिक लेयर या इंटरनल पिरामिडल लेयर ये लेयर पिरामिडल सेल्स से बनती है ये लेयर वेल well डेवलप्ड होती है प्रीसेंट्रल मोटर कॉटेक्स में इस प्रीसेंट्रल कॉटेक्स में पिरामिडल सेल्स को बेट सेल्स और जॉइंट सेल्स कहते हैं इस लेयर में सेल्स ऑफ मार्टिनोटी भी होते हैं नंबर सिक्स फ्यूजिफॉर्म सेल लेयर ये लेयर सेरिब्रल हेमिस्फेयर के व्हाइट मैटर से कॉन्टैक्ट में होती है ये लेयर क्लोजली पैक्ड स्मॉल स्पिंडल शेप्ड सेल्स से बनती है मोएक्यूलर लेयर जो कि आउटरमोस्ट लेयर है सेरिब्रल कॉटेक्स की जिसको प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी कहते हैं और इनरमोस्ट लेयर है फ्यूजिफॉर्म लेयर जो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर की व्हाइट मैटर के कॉन्टैक्ट में होती है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर सेरिब्रल कोटेक्स में होते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कॉमेंट